गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय फंक्शन क्लासेस। आज हम देखेंगे 9 मई 2020 का करंट अफेयर्स और साथ में मैं डेली आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराती हूँ जिसमें अभी हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, 8 मई को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इसमें आज आपका ऑप्शन डी ए और बी दोनों, विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस। विश्व थैलेसीमिया दिवस, थैलेसीमिया एक रोग है और इसके रोकथाम के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो 8 मई को कौन कौन सा दिवस हुआ, विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस। और यहाँ ऑप्शन सी में है आपका विश्व एथलेटिक्स दिवस, तो ये इस बार 7 मई को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष संजीवनी ऐप किसने लॉन्च किया। तो आयुष संजीवनी ऐप अभी लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। आयुष संजीवनी ऐप, ये आयुष और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डेवलप किया गया है। और डॉक्टर हर्षवर्धन ये कौन है, ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं और इन्होंने अभी आयुष संजीवनी ऐप लॉन्च किया। और यहाँ आपका आयुष है, तो आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आयुष में आपका ए फॉर आयुर्वेद होता है, वाई फॉर योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा और एच फॉर होम्योपैथिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार निम्न में से किसने संभाला। तो श्रम ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं, ये बने हैं डी पी एस नेगी श्रम ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य ये बन गया है मध्य प्रदेश। तो अभी स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। अप्रैल से बंद पड़े स्कूलों के बाद अब छात्रों को उनके घर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय शिक्षकों की मदद से मिड डे मील राशन का वितरण किया जा रहा है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। और अभी मध्य प्रदेश की पुलिस ने बुजुर्गों की सहायता के लिए एक योजना स्टार्ट किया है, उस योजना का नाम क्या है, संकल्प। क्या है, संकल्प। और मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मास्क बनाने के लिए एक योजना स्टार्ट किया है, उसका क्या नाम था, उसका नाम था जीवन शक्ति योजना। क्या है, जीवन शक्ति योजना। और अभी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए भी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक योजना स्टार्ट किया है, उसका क्या नाम है, जीवन अमृत योजना। क्या नाम है, जीवन अमृत योजना। और अभी मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान, और वहाँ के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एलजी पॉलीमर प्लांट से किस गैस के रिसाव की दुर्घटना सामने आई है। तो विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर प्लांट से किस गैस का रिसाव हो रहा था, वो आपको बताना है। तो गैस का नाम है स्टेरीन गैस। क्या नाम है, स्टेरीन गैस। तो अभी विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर प्लांट से स्टेरीन गैस का रिसाव हो रहा था, जिस वजह से वहाँ के आसपास के लगभग 3000 लोग प्रभावित हुए। और यहाँ आया आपका आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के सीएम है जगमोहन रेड्डी और वहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने का फैसला किया है। तो मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने का फैसला किस देश की सरकार ने किया है, तो ये किया है ईरान ने। तभी ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा रियाल को तोमान में बदला जाएगा, जिसमें एक तोमान 10,000 रियाल्स के बराबर होगा। ईरान ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए यह निर्णय किया है। और यहाँ आपका ईरान है, तो ईरान की राजधानी कहाँ है, तेहरान, और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, अभी हसन रूहानी। कौन है, हसन रूहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं अधीर रंजन। अधीर रंजन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बने हैं। और लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा द्वारा और 7 राज्यसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। कितने साल के लिए, एक साल के लिए। और यहाँ ऑप्शन में आपका तरुण बजाज, तो तरुण बजाज के बारे में मैंने आपको कल बताया था, ये आर्थिक मामलों के सचिव हैं और अभी आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निर्देशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सीएमएपीपी ऐप लॉन्च की है। तो सीएमएपीपी ऐप ये लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। तो अभी कृषि मूल्य और खरीद की व्यापक निगरानी के लिए ये शुरू किया है।
क्या नाम है? CMAPP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किफ़ायती वेंटिलेटर बनाने के लिए निम्न में से किसके साथ समझौता किया है? तो किफ़ायती वेंटिलेटर बनाने के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है? ये क्या है? IIT कानपुर के साथ। किसके साथ? IIT कानपुर के साथ। किसने? भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने। किस लिए? किफ़ायती वेंटिलेटर बनाने के लिए। और यहाँ आपका भारत डायनामिक्स लिमिटेड है, तो इसके अभी अध्यक्ष और MD कौन है? अध्यक्ष और MD है सिद्धार्थ मिश्रा। क्या नाम है? सिद्धार्थ मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए एक मिशन स्टार्ट किया है केंद्र सरकार ने, उसका नाम क्या है? उसका नाम है वंदे भारत मिशन। क्या नाम है? वंदे भारत मिशन केंद्र सरकार ने स्टार्ट किया है विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की है, इस लिस्ट में पहले स्थान पे कौन है? तो फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 में पहले स्थान पे कौन है? ये है मुकेश अंबानी। तभी फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी किया और उसमें पहले स्थान पे हैं मुकेश अंबानी। और कुछ दिन पहले फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का लिस्ट जारी किया था, उसमें पहले स्थान पे थे जेफ बेजोस, और दूसरे स्थान पे कौन थे? बिल गेट्स, और तीसरे स्थान पे थे बर्नार्ड अर्नोल्ड। और फोर्ब्स ने सबसे अमीर स्पोर्ट्स टीम मालिकों का भी लिस्ट जारी किया था, उसमें सबसे अमीर स्पोर्ट्स टीम मालिक कौन थे? वो थे स्टीव बाल्मर। क्या नाम था? स्टीव बाल्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि IRDA के नए CMD किनको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है प्रदीप कुमार को। प्रदीप कुमार को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी का CMD नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन C, मिशन मोड। तो मिशन मोड एक जागरूकता अभियान है, और अभी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए इस अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है, तो इस अभियान का नाम है मिशन मोड। क्या नाम है? मिशन मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपने दूत पद के लिए नामित किया है? तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपने दूत पद के लिए नामित किया है डोनाल्ड ट्रंप ने किसको? ये किया है मनीषा सिंह को। इनको? मनीषा सिंह को। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपने दूत के लिए नामित किया है। और यहाँ ऑप्शन में आपका शोभना नरसिन्हम, तो इनका नाम भी अभी न्यूज़ में है, तो इनको अमेरिकी एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। इनको? शोभना नरसिन्हम को। और सरिता कोमती रेड्डी, तो सरिता कोमती रेड्डी कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया है, सरिता कोमथी रेड्डी को। और मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में दूत पद के लिए नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है? तो कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट को 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 साल कर दिया है। किस राज्य ने? ये किया है तमिलनाडु ने। तभी तमिलनाडु राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से 59 वर्ष कर दिया है। और यहाँ आपका तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु के CM कौन है? VK पलानीस्वामी, और वहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। ओके गाइस, तो आज का टॉप 15 करेंट अफेयर्स क्वेश्चन हो चुका है। अब चलिए देखते हैं आज का एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो इसमें मैं 15 क्वेश्चन का कल आपको रिवीजन करा चुके, आज हम लोग आगे करेंगे। तो आज का पहला पुरस्कार आपका पॉली उमरीगर, तो BCCI के पॉली उमरीगर पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया? ये किया गया जसप्रीत बुमराह को। कौन से ईयर का दिया गया उनको? तो 2018-19 का दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? पॉली उमरीगर पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट था आपका
हाल ही में ESPN स्पोर्ट्स अवार्ड में द करेज अवार्ड पाने वाली पहली विजेता कौन बन गई हैं? तो द करेज अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय विजेता कौन है? ये है द्रुति चंद। क्या नाम है? द्रुति चंद। ESPN स्पोर्ट्स अवार्ड में द करेज अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय हैं ये द्रुति चंद। नेक्स्ट था आपका 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया गया? ये दिया गया 4 लोगों को। नेक्स्ट है अरुण जेटली को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया? तो अरुण जेटली को कौन सा पुरस्कार दिया गया, पद्म विभूषण या पद्म भूषण? तो इनको दिया गया है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। नेक्स्ट है पीवी सिंधु को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया? तो पीवी सिंधु को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, इनको दिया गया है पद्म भूषण। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार 2020 के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पद्म पुरस्कार 2020 के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? अब आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद हो गया हो इसमें कौन सा गलत है। तो इसमें ऑप्शन ए गलत है, पद्म विभूषण 7 लोगों को ही दिया गया है, 16 लोगों को नहीं। और सारा ऑप्शन सही है, पद्म भूषण 16 लोगों को, पद्मश्री 118 लोगों को और टोटल पद्म पुरस्कार 141 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट था आपका अनिरुद्ध जगन्नाथ जिनको पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया है, ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? तो ये हैं मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है इनमें से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित नहीं किया गया है? तो मरणोपरांत किनको नहीं दिया गया है, ये नहीं दिया गया है पंडित छन्नूलाल मिश्रा को। पंडित छन्नूलाल मिश्रा को मरणोपरांत पद्म विभूषण नहीं दिया गया। किनको किनको दिया गया है, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, जॉर्ज फर्नांडिस और इनको दिया गया है, और दिया गया है आपका पेजावर मठ के प्रमुख हैं विश्वेश तीर्थ। क्या नाम है? विश्वेश तीर्थ स्वामी। नेक्स्ट है कंगना रनौत, एकता कपूर, करण जौहर, सुरेश वाडकर, अदनान सामी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इन लोगों को कौन सा पुरस्कार दिया गया, इन लोगों को दिया गया पद्मश्री पुरस्कार। नेक्स्ट है किसे रेगिस्तान में कई पौधे लगाने और रोजाना 1000 से ज़्यादा पक्षियों और जानवरों को अनाज खिलाने के लिए पद्मश्री 2020 दिया गया? तो इनमें से किनको दिया गया है, ये दिया गया है हिम्मत राम बंबू को। नेक्स्ट है भारत में तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा है? तो तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा है, तो ये है आपका पद्म भूषण। पद्म भूषण तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, पहला आपका भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण और तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री। नेक्स्ट है किस भोपाल गैस त्रासदी के एक्टिविस्ट को मरणोपरांत पद्मश्री 2020 दिया गया? तो भोपाल गैस एक्टिविस्ट का नाम क्या है, तो उनका नाम है अब्दुल जब्बार। क्या नाम है? अब्दुल जब्बार। ये भोपाल गैस त्रासदी के एक्टिविस्ट थे और इनको मरणोपरांत पद्मश्री 2020 दिया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2020 नहीं दिया गया? तो इनमें से किनको पद्मश्री नहीं दिया गया है, तो ये नहीं दिया गया है पीवी सिंधु को, पीवी सिंधु को पद्म भूषण दिया गया। नेक्स्ट है वेणु श्रीनिवासन को पद्म भूषण 2020 से सम्मानित किया गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो वेणु श्रीनिवासन किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो ये उद्योगपति हैं। क्या आप लोगों को याद है वेणु श्रीनिवासन कौन है, ये टीवीएस मोटर के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पद्म भूषण 2020 का विजेता नहीं है? तो पद्म भूषण इनमें से किनको नहीं दिया गया है, ये नहीं दिया गया है मैरी कॉम को, मैरी कॉम को पद्म विभूषण दिया गया है, पद्म भूषण नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो एबेल पुरस्कार 2020 किनको दिया गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, हिलेर फ्रुस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या क्या नाम है, हिलेर फ्रुस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, एबेल पुरस्कार 2020 का। और ऑप्शन सी में जो है आपका करेन उलेनबर्ग, इनको 2019 का एबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है मीडिया फाउंडेशन द्वारा 2019 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो 2019 का चमेली देवी जैन पुरस्कार किनको दिया गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, रोहिणी मोहन और आरफा खानम शेरवानी। क्या क्या नाम है, रोहिणी मोहन और आरफा खानम शेरवानी को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है जीतू राय को पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो जीतू राय किस क्षेत्र से संबंधित हैं,
ये खेल से रिलेटेड है। जीतू राय कौन है? तो ये एक निशानेबाज है और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है 2019 के लिए सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किनको दिया गया है? इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, कृष्णामचारी श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा। क्या क्या नाम है? कृष्णामचारी श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को कौन सा पुरस्कार दिया गया? सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, कौन से ईयर का? 2019 के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में मिस लीवा दीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो मिस लीवा दीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है जी एडलिन कैस्टेलिनो ने। किसने? जी एडलिन कैस्टेलिनो ने मिस लीवा दीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, बाफ्टा अवार्ड 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कृत किया गया? तो बाफ्टा में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? ये मिला है 1917 को। किसको? 1917 को बाफ्टा में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, रानी रामपाल को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रानी रामपाल को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया? इनको दिया गया है पद्मश्री। पद्मश्री 2020 से रानी रामपाल को सम्मानित किया गया। और रानी रामपाल कौन है? ये भारतीय हॉकी टीम की कैप्टन है। नेक्स्ट था आपका, कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है पद्म पुरस्कार के बारे में? इसमें आपका ऑप्शन डी गलत है, मनोहर पारिकर को पद्म विभूषण नहीं पद्म भूषण दिया गया। नेक्स्ट था आपका, जगदीश लाल आहूजा चंडीगढ़ के PGI अस्पताल के बाहर मरीजों को मुफ्त खाना खिलाते, उन्हें कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया? इनको पद्मश्री दिया गया है। ओके गाइस, तो आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन किया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट डे।